वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 38 से कंटिन्यू करेंगे, और जो नए हैं उनको भी मैं बता दूं कि ये वही सीरीज चल रही है जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को 1.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। और ये तीसरा पार्ट भी है और अभी टाइम मैनेजमेंट सही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं ना। व्हाट सम विल बिकम आरएस 19683? कितना सम पैसा रहेगा कि वो 19683 हो जाएगा इन 18 मंथ्स, 18 महीने में, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% है पर एनम, एंड द इंटरेस्ट कंपाउंडेड इज हाफ ईयरली। इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड है वो हाफ ईयरली है। जब ये हाफ ईयरली रहता है तो रेट जो है R/2 हो जाता है, ठीक। जिस तरीके से यहाँ रेट इंटरेस्ट जो है 2.5% दिया है, मतलब कि 1/2% दिया है। इसको हम होल नंबर में करेंगे तो 2 × 2 = 4, यानी कि 4 × 5, 5/2%, ठीक। और यह है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब इसको हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5/2 × 1/2, ये हो जाएगा 5/4, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R = 5/4% हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है व्हाट सम विल बिकम, मतलब कि पी हमको नहीं पता है कितना बन जाएगा, और ये जो दिया ये अमाउंट है, ये जो दिया है ये अमाउंट है, कितना है 19683, ठीक। कह रहा है कि कितना पैसा हम जमा करें बैंक में या फिर कहीं करें कि वो 18 महीने में 19683 हो जाए। तो जो 18 महीने बाद होगा वो अमाउंट होगा, जो जमा करेंगे वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वही हमको पता करना है। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो गया, तो 5/4 हो गया। और कितने महीने की बात है, 18 महीने की बात है, तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भी आप ट्रिक से समझ लीजिए कि जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, तो अगर हाफ ईयरली है तो साल भर में आपको कितनी बार जाना पड़ेगा, 2 बार, यानी कि 12 महीने में 2 बार और 18 महीने में 3 बार, यानी कि यहाँ टी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, चाहे जाना हो या फिर आना हो, इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो। कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो टी की वैल्यू 18 महीने में 3 बार हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ टी की वैल्यू 3 हो गई। अब सिर्फ हमको एक फार्मूला है, उसी पर रख के आंसर निकालना है। वो फार्मूला है, उसको मैं बता देता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + R/100 की पावर t। अब यहाँ से अमाउंट हमको पता है 19683, प्रिंसिपल अमाउंट हमको निकालना है, 1 + रेट है तुम्हारा 5/4%, 5/4, नीचे 100 रहता तो 100 और रख देंगे, कि पावर 3, क्यों, क्योंकि t = 3 है, हमको 18 महीने में 3 बार जाना पड़ेगा अगर एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 19683 = प्रिंसिपल अमाउंट, इसको कैंसिल करें, 5 × 5, 5 × 20 = 20, 25 = 100, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/20 = 80, 1 + 1/80 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 19683 = प्रिंसिपल अमाउंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे रहता है और जो किनारे रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 80 × 80 + 1/80 की पावर 3। इसको आगे हम अगर सॉल्व करें तो 19683 = प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाएगा 81/80 की पावर 3। यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा 19683, 80 नीचे इधर है, इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ऊपर होने के ऊपर तो होगा ही, लेकिन यहाँ क्यूब है तो यहाँ 3 बार 80 लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ क्यूब था। इसी तरीके से ऊपर यहाँ 81 है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, और नीचे हो तो होगा ही, यहाँ क्यूब है, क्यूब की वजह से 3 बार लिखा जाएगा। तो इसको, इतने बड़े नंबर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। आप वो कैलकुलेशन कर लेना इसको कैलकुलेटर से, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको सॉल्व करूंगा तो लग जाएगा 3-4 मिनट। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर से करके आपको बताता हूँ। तो कैलकुलेटर से करने से हमको मिला 18,962.86, इतना अमाउंट रहेगा, अगर इतना सम हमारे पास रहेगा तो 3 साल यानी कि 18 महीने बाद वो 19683 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जिसमें 18,962.86 रुपये हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 11 मैन कैन डिग 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन वन डे। 11 आदमी मिलकर, 11 मैन, 6 × 4/3, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें, नीचे वाला और किनारे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24, ऊपर वाला ऐड करेंगे, 24 × 3 = 27, और नीचे वैसे लिख देंगे। इतने मीटर लॉन्ग ट्रेंच को एक दिन में करते हैं, वन डे में। आगे कह रहा है हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, कितने आदमी को और लगाया जाए फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच, मतलब कि कितने आदमी लगाए जाए 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को हमें अब की बार डिग करना है, ठीक।
आप द सेम टाइप इन वन डे, आपकी बार भी एक ही दिन में करना है, तो वन डे से कुछ हमसे लेना देना नहीं है, अब हमारा काम सिर्फ इतने में है। 11 आदमी मिल के जब करते हैं तो 27.4 मीटर करते हैं, कितने आदमी लग जाएं कि 27 मीटर करें, तो जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना ज़्यादा मीटर हमसे डिक होगा। ठीक, मतलब कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर एक आदमी 1 मीटर कर रहा है तो 2 आदमी 2 मीटर करेगा, तो इसका मतलब कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं। अगर एक आदमी 10 मीटर कर रहा है तो 2 आदमी 20 मीटर करेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये तो है कि नहीं कि आदमी की संख्या घटा दोगे तो मीटर की संख्या घट जाएगी, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा काम होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है तब हम इसको मेन अपॉन मेन को सीधा लिखते हैं, मतलब कि अगर मान लें कि एक्स आदमी लगेंगे तो 11/x इज इक्वल टू, इसको भी सीधा ही लिखेंगे, 27/4/27, 27/4/27। ठीक, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, पता चल जाएगा कितने आदमी लगेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि जो इधर 11 है इधर 27 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, जो ऊपर इधर है इधर नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 11 × 27, बीच में इक्वल टू लगेगा, फिर जो इधर ऊपर था और इधर जो नीचे था उससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि इधर ऊपर है 27/4 और इधर नीचे है एक्स, इसको हम इक्वल टू कर देंगे। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आएगा क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो जो लाइन एरो जा रही ना उसी के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, और बीच में इक्वल टू लगा ही रहता है उसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से 27 27 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ऊपर है यहाँ भी ऊपर, कैंसिल हो गया, अब यहाँ से 11 इधर 4 नीचे है तो इधर आएगा ऊपर हो जाएगा, × 4 = x, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आ गई है 11 × 4 यानी कि 44, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 × 44, यानी कि 44 आदमी लगेंगे तब हमारा 27 मीटर एक दिन में खुदाई हो जाएगी। ठीक, तो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें और 44 मेन होगा, जिसमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमें परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए हमको सभी को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और तीन तीन का पेयर बनाना पड़ेगा, अगर तीन का पेयर बन जाता है तो परफेक्ट क्यूब है, अगर तीन का पेयर नहीं बनता है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे 729 को हम पहले करके दिखाते हैं, 729 इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो सबसे छोटे नंबर 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, फिर 300 होगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, आप करेंगे तो आप भी कर लेंगे, 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ठीक, अब देखो ये पेयर बन रहा है कि नहीं, जो नंबर बना 3 × 3 × 3, एक पेयर बन गया, तीन का पेयर तीनों सेम होना चाहिए, ये 3 × 3 × 3 ये दे देगा 3 नंबर, एक पेयर का एक नंबर, ये एक पेयर का एक नंबर, मतलब कि जो ये 729 है ये 3 × 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब जब करोगे तब 729 आएगा, मतलब कि ये जो 729 है परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि हमें तीन तीन का पेयर एग्जैक्टली मिल गया है। ठीक, इसी तरीके से 1728 को चेक करेंगे, 3200 इसको चेक करेंगे, और ये डी ऑप्शन है इसको 675 को चेक करेंगे, और जब 675 को आप चेक करेंगे इस तरीके से करके करके दिखा रहा हूँ, 675 को 3 से करते हैं, 3 × 2 = 6 और 25 × 3 = 75, फिर 3 से 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 25 × 3 = 75, अब तो 3 से जाएगा नहीं, अब 5 से, 5 × 6 = 25, अब इसका पेयर बनाओ, ये हो गया 3 × 3 × 3 और नीचे 2 5 है, 5 × 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे पेयर तो 3 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का 1 5 कम पड़ जा रहा है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 5 कम पड़ रहा है, पेयर 3 का बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट की बात हो रही है, यानी कि क्यूब की बात हो रही है, क्यूब हो या क्यूब रूट हो तो पेयर 3 का बनता है, तब यहाँ 1 5 कम पड़ जा रहा है, मतलब कि ये जो 675 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब 675 जो था ये नहीं है। ठीक, जो ऑप्शन हमारा डी है वही सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप 1728 को और 32768 को भी करके देखेंगे, इसमें तीन तीन का पेयर आसानी से बन जाएगा, जिस तरीके से 729 वाले में बना था। ठीक, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, अ मशीनरी ऑर्थ आर एस पी इज डिप्रिशिएटेड एट R% पर एनम, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग विल बी डिप्रिशिएटेड कॉस्ट। तो जो डिप्रिशिएटेड कॉस्ट होती है ये प्रिंसिपल अमाउंट 1 − R/100 की पावर n होती है। ठीक, पर एनम की बात हो रही, मतलब कि एक साल की बात हो रही, तो एन की वैल्यू 1 रख देंगे, यहाँ से डिप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाएगी P × 1 − R/100 की पावर 1, 1 लिखो या फिर ना लिखो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होगा, माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैं करा चुका हूँ, ये तो फिर फार्मूला ही है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, जो ऑप्शन ए है वही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं,
विच आर द फॉलोइंग इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, कौन सा ऐसा केस है जो इनवर्स प्रोपोर्शन का है। पहला देखते हैं टाइम टेकन बाय ए जर्नी डिस्टेंस कवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो एक जगह टाइम की बात हो रही है और एक जगह डिस्टेंस की बात हो रही है। अब तुम बताओ कि टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा चलोगे कि कम चलोगे? ज़्यादा चलोगे। अगर तुम 2 मिनट में, दो दो घंटे में 20 मीटर चलते हो, ये तो कछुआ की स्पीड हो गई, फिर भी चलो ठीक है, 2 घंटे में अगर 20 मीटर चलते हो या फिर 20 किलोमीटर चलते हो, चलो चलो तेज, अगर 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलते हो तो 3 घंटे में क्या कम चलोगे? नहीं, 3 घंटे में और ज़्यादा चलोगे, 30 किलोमीटर चलोगे, है कि नहीं? 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलोगे। मतलब कि ये जो प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, टाइम बढ़ा रहे हो तो स्पीड भी बढ़ रही है, टाइम बढ़ा रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, स्पीड नहीं, टाइम बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक, मतलब कि पहला डायरेक्ट है, हमको निकालना है इनवर्स का, तो पहला हमारा सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी देखते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर ए फिक्स्ड एरिया एंड पर पर्सन अवेलेबल एरिया। ठीक, कह रहा है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक जगह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अब पॉपुलेशन ये एरिया पर पर्सन, तो इसका तुम एग्जांपल अपने घर से लो। मान लो तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर को मिल रहा है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब वो इसी एरिया में, एरिया तो बढ़ेगा नहीं, एरिया वही है, इसी एरिया में अगर तुम पॉपुलेशन बढ़ा दो, अगर मान लो 12 लोग आ जाएं, तो क्या ज़रूरी है कि अब 10 मीटर में 12 लोग, एक लोग को 10 मीटर मिल रहा था जब 10 लोग थे, अब 12 हो गए, अब ज़रूर थोड़ा कम मिलेगा, नहीं नहीं तो कहाँ से एडजस्ट होंगे? अगर मान लो यही 20 लोग हो जाएं, 20 मेंबर हो जाएं, तब ये 10 में और ज़्यादा ले लें, मतलब कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना एक लोग को कम पड़ेगा, ये तो अगर मतलब कि जितना मेंबर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा जगह कंजेस्टेड होगी, उतना कम एरिया एक लोग को मिलेगा, एरिया पर पर्सन की बात हो रही है, मतलब कि ये जो प्रोपोर्शन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, INVERSE, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ऐसा केस है जो इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो जो बी ऑप्शन है यही हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द वैल्यू ऑफ, बहुत बड़ा इक्वेशन दिख रहा है कि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0.8 × 0.8 × 0.8, ये 3 बार है, तो जब 3 बार है तो इस 0.8 को हम क्यूब कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, और इधर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ऊपर फिर देखो 0.4 × 0.4 × 0.4 3 मरतबा है, तो 3 को हम इस 4.4 को हम इस कोई क्यूब लगा देंगे, तो बात वही होगी जिस तरह हम इसको किए हैं, तो ये हो जाएगा 0.4 का क्यूब। ठीक, अब नीचे क्या है, नीचे देखते हैं, नीचे देखो 0.8 × 0.8 2 बार है, तो इसका एक एक लिख के हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 0.8 × नहीं इसका स्क्वायर, ठीक, माइनस 0.8 × 0.4 0.8 × 0.4, फिर यहाँ प्लस 0.4 × 0.4 2 मरतबा है, तो इसको हम एक लिख के उस पर स्क्वायर लगा देंगे, 0.4 का स्क्वायर। ठीक, अब मैं इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि ये जो लिखा है ये एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा है, भले आपको बड़ा लिख दिख रहा है तो आप इसको बड़ा देख के सॉल्व नहीं करेंगे, बैठ के पूरा इनटू मल्टीप्लाई करने लगे, आप इसमें ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी लगेगी, इसमें आपको कम टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखो, अगर तुम मान लो ए की वैल्यू 0.8 और बी की वैल्यू 0.4, तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना है, ध्यान से देखो, अगर ए की वैल्यू 0.8 ले लो और बी की वैल्यू 0.4 ले लो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ए की वैल्यू है 0.8, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तब हो जाएगा जीरो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो ए की वैल्यू 0.8 है, तो यहाँ हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए है, देखो ए है बी, क्योंकि ए की वैल्यू 0.8, बी की वैल्यू 0.4, तो माइनस ए बी प्लस बी की वैल्यू 0.4, तो बी स्क्वायर। ठीक, अगर अब इसको ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया है। ठीक, तो अब मैं इसको यहाँ लिख के अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ए प्लस बी का, ए क्यू प्लस बी का क्यू की जो आइडेंटिटी होती है ये होती है ए प्लस बी। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास 9th में पढ़ोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यू प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पूरी है। अब नीचे क्या बचा है, नीचे बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ए नीचे भी है और ऊपर भी है, कैंसिल हो गया, सिर्फ जो इस इतने पूरे की वैल्यू है ये सिर्फ ए प्लस बी आ रही है, इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब कि जो हमारा आंसर होगा अगर ए और बी को ऐड कर देंगे आंसर हमारा मिल जाएगा, पूरे इस इक्वेशन का आंसर जो होगा ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू 0.4, 0.8 और बी की वैल्यू 0.4, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 4 12, एक के बाद डेसिमल है, ये 1.2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्या आपको समझ में आएगा, और सिर्फ एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी इक्वल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना था। सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 1.2 हमको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक्स बताऊंगा और ट्रिक बड़ी अच्छी है, आप जितना भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसको ट्रिक से ही करिएगा, बहुत आसानी होगी। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है एक रेशनल नंबर का वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। मतलब कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर में, लेकिन जो डिनोमिनेटर है जो डी है वो 8 बड़ा है न्यूमरेटर से। ठीक, अब इसी एक लाइन का, एक लाइन को आप ऑप्शन में देख लो, जो मैच कर रहा है वही आंसर हमारा सही है, तो देखते हैं मैच कराते हैं। एक न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर कितना है 13 और डिनोमिनेटर कितना है 21। अब देखो क्या 13 में 8 जोड़ने पे 21 आ रहा है, 13 में अगर तुम 8 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि ऊपर 13 है नीचे 13 + 8 है। कह रहा कि द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 8, यही ना बोला, तो मतलब कि पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर आप और चाहते हैं कि दूसरा कंडीशन जो उसको भी फॉलो करा लें तो अच्छी बात है। क्या है देखते हैं, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, अगर हम न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज करते हैं, मतलब कि 13 है 13 में हम 17 ऐड करते हैं, चलो कर दिए। आगे कह रहा है कि एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, और डिनोमिनेटर को हम 1 घटाते हैं, चलो 1 घटा भी दिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि द नंबर ऑप्टेंड इज 3/2, जो नंबर ऑप्टेंड होगा तो 3/2 होगा, अगर 3/2 होगा तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, चलो देखते हैं। 13 + 17 हो जाएगा 30, और 13 में 13 + 8 हो जाएगा 21, 21 में से 1 घटाएंगे होगा 20। आप यहाँ भी जोड़ सकते थे जो ऑप्शन में दिया था, इसमें आप 17 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा और 1 घटाएंगे 20 हो जाएगा, तो 30/20 को आप जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो जो दो नंबर ऑप्टेंड हो रहा है यहाँ भी लिख भी रहा है कि द नंबर ऑप्टेंड इज 3/2, ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है और ये पहली कंडीशन भी फॉलो कर रही है जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से 8 बड़ा था। 8 कैसे बड़ा था, ऊपर 13 था नीचे 21 था, मतलब कि 13 में 8 जोड़ेंगे 21 से हो जाएगा, तो हमारा पहला ये क्वेश्चन ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन दोनों कंडीशन फॉलो कराना ज़रूरी है, अगर पहली कंडीशन 2 3 पे फॉलो होती तो ये दूसरी कंडीशन फॉलो कराते, जो पहली दूसरी दोनों कंडीशन को फॉलो करता वो ऑप्शन हमारा सही माना जाता। ठीक, तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं बहुत डिटेल में भी और ट्रिक से भी पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, आप इसको ध्यान रखना कि स्क्वायर नंबर पूछा है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द न्यूमरेटर, ईच ऑफ द नंबर 6 9 15, एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो 6 9 15 से डिविजिबल हो ये हमको चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें एलसीएम निकालना होता है, 6 9 15 का निकालेंगे एलसीएम, तो पहले 2 से 2 3 6 और 9 15 2 से कैंसिल होगा नहीं तो इसको हम उतार देंगे, फिर 3 से सभी जा रहे हैं, 3 1 3 3 3 9 3 5 15, अब 3 से 1 होगा, अब एक बार फिर 5 से ले जाएंगे सभी 1 हो जाएंगे। ठीक, जो हमें ये नंबर आया इसको यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे, 2 × 3 × 3 × 5, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर ऑब्टेंड होगा वो द स्मॉलेस्ट नंबर होगा सिर्फ, लेकिन हमसे पूछा है कि द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, जब द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछे तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ देखो पेयर 3 3 का बना है लेकिन 5 का नहीं बना है, तो 1 5 एक्स्ट्रा लाएंगे,
तब जाके पेयर बनेगा, एक्स्ट्रा एक लाना पड़ा। इसी तरह दो देखो, अकेला पड़ा है तो इसको साथ ही चाहिए, तो दो इसको भी दो ला के एक पेयर बनाएंगे। तो जब पेयर बना दिए, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर ऑब्टेंड होगा वो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर हम ये पेयर ना बनाते जो आया था ये, इसी को मल्टीप्लाई देखो कर देते हैं, 5 × 15 = 45 × 90, ये जो 90 आया है ना, ये 90 स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 6, 9, 15 सभी से डिविजिबल है। लेकिन जब हम पेयर बना दिए तो ये जो पेयर करने पे आए, देखो 2 × 2 = 4, ये 4 हो गया, ये 3 × 3 = 9 हो गया, 25 हो गया। तो 25 × 9 = 25 × 100, देखो 25 × 100 × 9 ये हो जाएगा 900। तो ये जो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 900 आएगा, देखो 4, 9, 25, 25 × 100, 100 × 9 हो जाएगा 900। ये जो 900 आया है ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये तो अभी तो हम पेयर बनाए हैं, जब पेयर बना देते तो स्क्वायर नंबर हो जाता है। स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो 900 होगा, जो 6, 9, 15 तीनों से डिविजिबल होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमें 900 दिया हुआ है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।